So today we are going to understand the unit cell, which is the part of our chapter called solid state. Okay. So आज हम जो पढ़ रहे हैं एक्चुअल में क्या है, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, जिसकी स्मॉल और रिपीटेड यूनिट जो हम जिसको यूनिट सेल बोलते हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे. ठीक है. तो हमारी जो मेन हेडिंग है वो क्या है, क्रिस्टल सिस्टम. क्रिस्टल सिस्टम. ठीक है. तो क्रिस्टल सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में. ठीक है. यूनिट सेल. ठीक है. अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखो, हम क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है ना, तो वो होता है यूनिट सेल की हेल्प से. ठीक है. बहुत सारे यूनिट सेल ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में यानी थ्री डायमेंशन में अरेंज होंगे और वो एक लार्ज स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, जहां पर पार्टिकल का अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर होगा लॉन्ग रेंज के लिए. ऐसे सब्सटेंस को, अपीयरेंस को हम बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है. सो सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअल में यूनिट सेल क्या होती है. ठीक है. सो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट, कल भी हमने देख लिया था इसको, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड is called as unit cell. Unit cell. ठीक है. इसकी डेफिनेशन हमने कल भी देख लिया था. ठीक है. अब यूनिट सेल एक्चुअल में कैसा दिखता है, जैसे आपके साइड में स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर, है ना. सो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक यूनिट सेल. मैं छोटा सा यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूं. या दिस इज इट. ओके. दिस इज द यूनिट सेल. यूनिट सेल. ठीक है. आपको डायग्राम में यहां पर दिया हुआ है, यूनिट सेल में तीन एंगल और तीन साइड्स होती है. ठीक है. ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एज. क्या बोलते हैं, एज. एज यानी किनारा, या फिर ये जो लेंथ है हम इसको बोलते हैं एज. ठीक है. यहां से यहां तक, ए से बी तक का जो लेंथ है, हम इसी को बोलते हैं एज. हम इसी को किनारा. ठीक है. फिर यहाँ पर जो तीन डिफरेंट साइड है, इस वाले साइड को जो वर्टिकल लाइन है, हमने उसको नाम दे दिया है सी. ठीक है. वर्टिकल लाइन इज रिप्रेजेंट्स बाय सी. देन हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंट बाय बी. और जो यूनिट सेल की विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा, हम उसको साइड ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो साइड ए और बी के बीच में बनने वाला जो एंगल है, हम उसको लेते हैं लैम्डा. साइड सी और बी के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो है अल्फा. और साइड ए और सी के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो है बीटा. ठीक है. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है. थ्री साइड एंड थ्री एंगल्स. ओके. सो अब हम देखेंगे एक्चुअल में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. अब देखो, यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पार्टिकल्स अरेंज होते कहाँ, ये वर्टाइसेस के ऊपर. ये जो है हम उसको बोलते हैं वर्टाइस, है ना. ये वाला जो पार्टिकल पार्ट है यूनिट सेल का, हम उसको बोलते हैं वर्टाइस. तो बोलते हैं वर्टाइस. सो पार्टिकल्स
के अरेंजमेंट के बेस पे पर, ठीक है, कि पार्टिकल कहाँ अरेंजमेंट है, ये वर्टाइसेस के ऊपर है, ये हो गया वर्टाइसेस जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये सारे सारे वर्टाइसेस, ये जो है ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हम इसको बोलते हैं फेस। हम इसको ले लिया हमने वर्टाइसेस, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको ले लिया हमने फेस। तो एक यूनिट सेल में कितने फेस होंगे, ये फर्स्ट, लेट मी चेंज द इंक फॉर द काउंट, ओके, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एक होगा फ्रंट में फिफ्थ, और एक होगा बैक, ठीक है, ऐसे टोटल सिक्स फेस होते हैं। मैं आप लिख रहा हूँ टोटल वर्टाइसेस, टोटल वर्टाइसेस कितने होते हैं, एट, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 टोटल वर्टाइसेस है, नहीं कितने हो गए, एट हो गए। हम इसको कॉर्नर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्नर्स, इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्नर्स, ठीक है। अब ये कॉर्नर्स टोटल कितने होते हैं, एट होते हैं इसमें यूनिट सेल में। फिर टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, टोटल फेस और फेसेस ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, सिक्स, अभी हमने काउंट किया कितने होते हैं, सिक्स होते हैं। तो यूनिट सेल में सिक्स फेस और एट कॉर्नर या नहीं वर्टेसेस होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल। और सब बहुत बार क्या होता है, पार्टिकल यूनिट सेल के सेंटर में होता है, पार्टिकल बहुत बार यूनिट सेल के अंदर में होता है, हम उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, हम उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर, ठीक है। तो यूनिट सेल के बारे में तीन चीजें हमने यहाँ पर और सीखा है, कौन कौन सा, एक हो गया टोटल नंबर ऑफ वर्टेसेस यानी ही कॉर्नर कितने होंगे, एट होंगे, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, सिक्स होंगे, ठीक है, और एक होगा बॉडी का सेंटर, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर। इतना क्लियर हुआ एवरीवन, समझ में आया क्या बेटा, ओके, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, हो गया बेटा, ले लिए स्क्रीनशॉट, यस सर, ओके, यूनिट से हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके, लेट मी रेज इट, ओके। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। सो अब देखो टाइप्स जो देखा है हमने, एक जो यूनिट सेल के डिफरेंट जो टाइप्स है वो किस बेस के ऊपर है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स, अगर वो वर्टेस के ऊपर है या फेस के ऊपर है या बॉडी के सेंटर्ड में है, ऑन दैट बेसिस हमने तीन टाइप के यूनिट सेल पढ़े हैं। तो मैं आप लिख रहा हूँ types of unit cell on the basis of, types of unit cell on the basis of, on the basis of, किस बेस के ऊपर, on the basis of presence of particle, presence of particle on different part of the unit cell, different part of the unit cell, okay. So let me draw the diagram. So first type देख लेते हैं, पहले हम type देख लेते हैं. So first type है simple unit cell, simple, इसी को प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव
यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको एस सी सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस सी सी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, एस यानी सिंपल, क्यूबिक स्ट्रक्चर में फॉर्म है ना यूनिट सेल का, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबिक, और सी से है क्रिस्टल, ठीक है। तो सिंपल यूनिट सेल को हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यानी एस सी सी भी कहते हैं, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दैट। ओके, देखा है यूनिट सेल। अब क्या है एक्चुअल में जो सिंपल और एस सी सी है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स का नाम याद रख लो, इट इज एस सी सी, एस सी सी, हमेशा आप उसको एस सी सी बोलोगे या फिर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बोलोगे, ठीक है। अब देखो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ओनली एट द कॉर्नर्स, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा पार्टिकल, यहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा, यहां पर भी रहेगा, ऑल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। ऐसे अब इसको प्रिमिटिव कहा गया, इसका मतलब इसी यूनिट सेल से सारे के सारे दूसरे यूनिट सेल बनेंगे, ठीक है। तो ये वाला तो सबके लिए कॉमन हो गया, ठीक है, ये जो हमने ड्रॉ किए सबके लिए कॉमन हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट, लाइक अगर फेस के ऊपर होगा तो फेस सेंटर बोलेंगे, है ना, बॉडी के सेंटर में होगा तो बॉडी सेंटर बोलेंगे, अगर एंड फेस के ऊपर होगा तो हमको एंड सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। अब लेट मी राइट द डेफिनेशन फॉर द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन फॉर दैट, वेट अ सेकेंड। Okay, so definition for the cubic simple cubic spiral is SCC. I am writing only SCC, yeah? SCC. So what will be the definition for SCC? When particles are present, when particles are present at the corners only, at the corners of unit cell only, okay, at the corner of unit cell only are called as simple cubic crystal। कर लो का बेटा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल फर्स्ट टाइप डन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल डन, समझ
समझ में आया, ये उसका डायग्राम है और ये उसकी डेफिनेशन है। समझ में आया क्या एवरीवन? हाँ डू रिप्लाई बेटा। हाँ सर। ओके नाउ टेक योर स्क्रीनशॉट एवरीवन। डन? यस सर। ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टाइप। सो आई एम डिलीटिंग दैट। हाँ so we are going to understand the second type. Okay, so second type, so second one, second we have body centered unit cell. Second one is body centered unit cell. Body centered unit cell. Okay, so first we have to understand the diagram. Suppose this is the diagram. Okay, this is the diagram. And you know, हमने जो डिस्कस किया था कि सारे के सारे जो टाइप के यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव यूनिट से ही फॉर्म होंगे। इसका मतलब पार्टिकल कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे, इतना डेफिनेट। हर बार एवरी टाइम पार्टिकल विल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है। और एक पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा कहाँ? एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम उसके बॉडी सेंटर कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको? बॉडी सेंटर। ओके सो यही उसकी डेफिनेशन है। ऑन दैट बेसिस सो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर corner as well as at the center of unit cell, at the center of unit cell. तो यहाँ पर जो मैंने red color में जो दिखाया particle, ये at the center of unit cell में, unit cell के बिल्कुल अंदर में, ठीक है। तो definition क्या हो जाएगी इसके लिए? Okay, so definition will be the unit cell in which particles are present at the corners, at all the corners, we had write at all the corners means eight corner, present at all the corners as well as at the center of, at the center of unit cell. Okay, is called as body centered unit cell and it is also represents by BCC. It is body centered cubic crystal. Okay, it is body centered cubic crystal. So I'm writing name for B. It is body centered. C means crystal. Cubic and then crystal. And this C represents the crystal. Okay, so it is body centered cubic crystal. So it is represented by BCC. Okay, it's not Bhargavi coaching classes, it is body centered cubic crystal. Okay, BCC understood beta? बस आपको इतना याद रखना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में देखो सारे के सारे यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर तो रहेंगे ही, सभी में रहेंगे, ठीक है। बट बॉडी सेंटर्ड में एक पार्टिकल रहेगा यूनिट सेल के सेंटर में, दैट्स ऑल।
सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स मीन्स एट ऑल द कॉर्नर्स मीन्स एट कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ बॉडी और सेंटर ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ सर. ओके सो टेक अ स्क्रीनशॉट फिर हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे. हो गया? हो गया सर. ओके नाउ हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप. थर्ड है फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इसको हम FCC भी कहते हैं. व्हाट इज मीन बाय FCC? FCC मीन्स फेस. F मीन्स फेस सेंटर्ड. C मीन्स क्यूबिक एंड दैट अनदर C इज क्रिस्टल. ओके सो इट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. ओके हम इसको बोलते हैं FCC सिस्टम. ओके ओके सो नाउ लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दैट. सो ये है यूनिट सेल. अब फेस सेंटर्ड भी प्रिमिटिव से ही बनेगा तो पार्टिकल कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे डेफिनेट. हर यूनिट सेल में इन एवरी यूनिट सेल वी हैव टू रिप्रेजेंट पार्टिकल एट द कॉर्नर क्योंकि प्रिमिटिव से ही सारे के सारे यूनिट सेल बने हुए. ठीक है ये हो गए फेस सॉरी वर्टाइसेस वाले पार्टिकल. अब टोटल नंबर ऑफ फेस क्या देखो फेस सेंटर्ड बोला है ना फेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो इसके लिए मैं दूसरे इंग यूज कर रहा हूँ. ठीक है ये फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज फोर्थ फेज ये पीछे वाला एक फेज है ये वाला. ठीक है इसमें पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा तो ये उसका सेंटर हो गया. और ये फ्रंट वाला फेज ये फ्रंट फेज है ये. ठीक है तो फ्रंट फेज का सेंटर सपोज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ. ठीक है यहाँ एक अंदर में है और एक ये फेज के ऊपर. ठीक है सो पार्टिकल्स यहाँ कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है. हम लिखेंगे एट ऑल कॉर्नर्स. ओके एट ऑल कॉर्नर्स. ओके एट ऑल कॉर्नर्स और ये है फेस के ऊपर तो हम लिखेंगे यहां पर एट ऑल फेस सेंटर्ड. ऑल फेसेस. ठीक है सो पार्टिकल कहाँ का प्रेजेंट है एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द फेसेस ऑल्सो. ओके सो आई एम गोइंग टू डिफाइन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल नाउ. तो मैं इसका आप लिखता हूँ इसका नाम इट इज FCC. व्हाट इज FCC? इट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. ओके सो द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एज वेल एज ऑन ऑल फेसेस. ओके इज कॉल्ड एज और आर कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम.
okay, it is the fourth type. Take a screenshot beta, we have one more to discuss because we have very less time, only 4 minutes we have, so in 4 minutes we have to complete. Okay, done, screenshot done. Yes sir. Okay, now we are going to discuss the fourth one, okay, which is called as end centered. And centered. So let me draw the diagram for that. In end centered, particles will present at all the corners, okay, as well as only on the two end center. Okay, see part ye bhi primitive se bana hua hai. So particle corner ke upar to rahenge definite har baar. Every time particle will present at the corner. ठीक है, as well as एंड सेंटर्ड में जो एंड वाला पार्ट है, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक है, यहां पर वो पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे. तो ये और ये हो गया एंड फेस, एंड फेस, और ये हो जाएगा कॉर्नर. ठीक है, तो पार्टिकल कॉर्नर पे और दो एंड फेसेस के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे. ऐसे यूनिट सेल को हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. सो आई एम गोइंग टू राइट डेफिनेशन हियर. द यूनिट सेल इन विच Particles are present at all corners as well as on end faces, okay, are called as face end centered cubic crystal system. Okay, now take a screenshot beta for that also. Done. हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए. एवरीवन, ओके. सो यहां पर हमने आज यूनिट सेल और उसके चारों टाइप्स कंप्लीट कर चुका है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्रिस्टल सिस्टम, जो कि अबाउट 14 टाइप के ब्रेवियस लटाइस है ना, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. दिस वीडियो विल गोइंग टू अपलोड ऑन योर यूट्यूब चैनल, सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो. आशु यस सर, इतना जल्दी कैसे आ गए तुम? सर आ गए. ठीक है.